हिमाचल में कर्ज लेने को लेकर जयराम सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा, जो लोग हम पर कर्ज लेकर सरकार चलाने की बात कह रहे हैं, दरअसल में उन्हीं ने हिमाचल के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। हिमाचल में कर्ज लेने को लेकर जयराम सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। जल शक्ति मंत्री ने कहा, जो लोग हम पर कर्ज लेकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, दरअसल में जब हिमाचल की पूर्व कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज लिया है, विपक्ष के लोगों ने उस समय 25,000 करोड़ को बढ़ाकर 44,000 करोड़ कर दिया है, जबकि हमारी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में बहुत ही कम कर्ज लिया है, लेकिन हम कर्ज को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम से फायदा उठाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ को कम कर रहे हैं। वहीं महेंद्र सिंह ठाकुर ने ऊना की सवा नदी परियोजना में खनन से नुकसान के लिए भी पूर्व वीरभद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि खनन की अधिकतर पट्टे पूर्व सरकार के समय में पास हुए थे, जिस कारण आज अवैध खनन से नुकसान हो रहा है। वहीं मंत्री ने अवैध माइनिंग पर नकेल कसने का दावा भी किया। मंत्री ने सवा तटीकरण के काम को तय सीमा में पूरा किए जाने का दावा किया है और अधिकतर बचे काम को जल टेंडर किए जाने की बात कही है। मंत्री ने सवा नदी परियोजना में जिले में 10,000 हेक्टेयर भूमि उपजाऊ होने की बात कही है। मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूँ जो कर्ज की बात करते हैं, 2012 से लेकर के 2017 तक इस प्रदेश के अंदर उन मित्रों की सरकार रही है, और वो मित्र जो है वो ऊंचे पदों में थे और सरकार का एक हिस्सा थे। जितना कर्ज 2012 और 2017 के बीच में लिया गया है, शायद ही इतना कर्ज तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं लिया गया। 25,000 करोड़ को बढ़ा करके जो है 46,000 करोड़ का करना 5 वर्षों के बीच में, ये उन मित्रों की ये रही है। कर्ज लेना हर सरकार की एक मजबूरी बनती है, लेकिन इतना कर्ज भी हमारे 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, हमने बहुत कम से कम कर्ज लेने की कोशिश की है। मैं इस पर उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे राष्ट्र के लिए 3,60,000 करोड़ की एक योजना शुरू की है। हम जितने भी आईपीएच की स्कीमें हैं, जहाँ पीने के पानी की योजनाएं हैं, हम उसमें मैक्सिमम योजनाएं जो है जल जीवन मिशन में डाल रहे हैं। आप पूछेंगे भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट होने के नाते 90-10 में हमारे को जो है इसमें फायदा है। 90% भारत सरकार दे रही है, 10% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को लगाना है। हम उन्हीं MLA प्राथमिकता की योजनाओं को हम नबार्ड में भेजते थे। नबार्ड जो है 100% लोन है, तो लोन को कैसे रोका जा सके, चाहे नबार्ड का लोन है चाहे किसी दूसरे वित्तीय संस्थान से लेने वाला लोन है। हम विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से ज़्यादा राशि जो है अपने प्रदेश के लिए ला रहे हैं, ताकि कर्ज की इस रफ्तार को कैसे कम किया जाए। मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को, धन्यवाद करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का। जैसे ही प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, हमने सवा चैनलाइजेशन जो एक किस्म का एक ऐसा रोगी बन चुका था जिसको जो अंतिम सांसें गिर रहा था, हमने उसको दोबारा से रिवाइव किया है। और रिवाइव ही नहीं किया है, हम उसको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2020 को जो इस योजना का द्वितीय चरण जो पूरा होने जा रहा है। एक ऐसा मॉडल प्रोजेक्ट बन चुका है भारतवर्ष के बीच में, इसकी एक फिल्म भी बनी हुई है जो कि पूरे भारतवर्ष के अन्य राज्यों में दिखाई जा रही है कि इस प्रकार से बाढ़ नियंत्रण का काम जो हिमाचल प्रदेश के सवा चैनलाइजेशन के बीच में हुआ है, ऐसा काम भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में होना चाहिए। आगे अधिकारियों से पूछा कि ये खनन कितनी लीजेज हैं, ऐसी जो लीजेज जो है यहाँ पर दी गई हैं, कितनी धूमर साहब के समय में 2012 से पहले दी गई, कितनी 2012 और 2017 के बीच में दी गई, कितनी 2017 से लेकर 2020 के बीच में दी गई।